इस वीडियो में आपको बताएंगे 100x100 के ट्रंकिंग में ऑफसेट बनाना। ऑफसेट बनाना बहुत आसान है, कितने सेंटी का बनाएंगे और कितना इसमें मार्किंग करेंगे, जो हम मार्किंग पहले करना होता है तो कितने सेंटी मार्किंग करेंगे और कितना कटिंग करते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं यह ट्रंकिंग का जो साइज है 100x100 है, 10 सेंटी इधर भी है और 10 सेंटी नीचे भी है। ये हमारा सीधा है और हमको इधर जितना सेंटी रखना है उसके हिसाब से हम रख सकते हैं। सही है, आपको बताएंगे ऑफसेट कैसे बनता है। ऑफसेट बनाने के लिए सबसे पहले हमको ट्रंकिंग देखना पड़ता है क्या साइज है। हमारा 100x100 है, इसमें मैं 4 सेंटी का मार्किंग किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं, ये देखिए 4 सेंटी का 2 मार्किंग किया है और एक मार्किंग में हमको क्रॉस करना पड़ता है। ये जो हमारा मार्किंग है यहाँ से क्रॉस करेंगे इसको नीचे तक। ये हमारा जो है इसमें 4 सेंटी में हमको क्रॉस करना है। बीच वाला जो मार्किंग है इससे यहाँ क्रॉस करना है। और ये जो हमारा है ये कोरी के लिए है, ये जो हमारा कोरी होता है ये कोरी निकालने के लिए है। ये हमारा सीधा है ये, और इसका इस तरफ भी सेम मार्किंग करना है, 4 सेंटी 4 सेंटी। ओके, समझ में आ रहा होगा। आप पेंसिल से मार्किंग कर सकते हैं, मैं मार्कर से करके आपको दिखाने के लिए किया हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ कटिंग होगा और ये कोरी इसका निकलेगा। और पीछे जो बैक साइड होता है, बैक साइड कुछ नहीं, ये इधर कटिंग नहीं होगा, सिर्फ दोनों साइड ये कटिंग होगा। ओके, ये साइड और ये साइड, ये देख सकते हैं इस तरह से मार्किंग करना है। 4 सेंटी को सिर्फ क्रॉस करना है यहाँ से यहाँ। ओके, फिर इसको कटिंग करके मोड़ के फिर आपको दिखाएंगे। इसके बाद ये प्रोसेस हो जाएगा तो फिर दूसरा दिखाएंगे। तो इसमें हमको 2 साइड से मोड़ना पड़ता है, जैसे हमारा एक साइड जब मुड़ जाता है तो दूसरा साइड से मुड़ना पड़ता है। 2 साइड से जब तक नहीं मुड़ेगा तब तक ऑफ सेट नहीं बनता है। देख सकते हैं इस तरह से कटिंग हो गया ये दोनों साइड, सिर्फ क्रॉस वाला निशान कटा और ये कोरी निकला। अब इसको थोड़ा मार के मारो, दोनों साइड मारना, मार के अंदर करके सिक्स का नट बोल्ट लगा दो। कुछ इस तरह से ये मुड़ जाता है, अभी इसमें नट बोल्ट लगेगा 6 का। इसके बाद एक साइड हो गया रेडी, एक साइड और अभी रेडी करेंगे वो भी दिखाएंगे। देख सकते हैं एक तरफ का मुड़ जाए, जब ऊपर को उठ जाए ट्रंकिंग, तो इसके बाद फिर हमको एक साइड और घुमाना पड़ता है। वो हमको इसका जो बीच वाला निशान है, ये बीच वाला यहाँ पे निशान था, इससे हमको लेना है 24 सेंटी। फर्स्ट वाला निशान 24 लेने के बाद फिर हम 4 सेंटी लेंगे। ये देख सकते हैं ये हमारा 4 सेंटी, 4 सेंटी पहला, दूसरा भी 4 सेंटी। ये देख सकते हैं ये नीचे का हिस्सा है और इसके बाद फिर इधर का देख सकते हैं सेम मार्किंग, इधर भी 4 सेंटी, इधर भी 4 सेंटी। और इधर वाला बीच वाला जो था, बीच का जो निशान है, ये बीच वाला निशान से हम लिए हैं यहाँ 24 सेंटी। ओके, यहाँ से 4 और एक क्रॉस मारना है इधर, और दोनों साइड मतलब क्रॉस मारना पड़ता है, दोनों तरफ सेम मार्किंग करना है, सेम मार्किंग रहेगा। इसके बाद इसका कोरी नीचे का निकालना है, ये नीचे का ये कोरी निकलेगा तभी ये ट्रंकिंग मुड़ेगा। ये देख सकते हैं इस तरह से इधर भी कोरी निकाल के और पीछे साइड कपलर बन जाएगा, कटिंग करके आपको दिखाएंगे, ये मार्किंग आपको दिखाएंगे।
ये भी कोरी निकल गया, ये देख सकते हैं इधर का, और ये क्रॉस काट दिया, बस इसका यही है। अब इसको मोड़ के इसमें नट बोल्ट लगा देंगे 6 का, फिर आपको दिखाएंगे। मोड़ो इसको इसी तरीके से, इसको देख सकते हैं अभी उठाएंगे, और इस तरह से दोनों साइड से हैमर मारना होता है। इसके लिए अंदर चला जाता है जो कपलर इसका बना है, अंदर जाके बैंड हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे कितने सेंटी का ऑफसेट बना है, लास्ट में बताएं। इस तरह से इसको मोड़ देना है, ओके, बस इसी तरह से इसको मोड़ना है। अब इसमें हॉल मार के 6 का नट बोल्ट लगा देना है, ओके। देख सकते हैं 17 सेंटी का मेरा ऑफसेट रेडी है। ये 17 सेंटी का बन गया अप डाउन, यही है ऑफसेट।